Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Inquire to Acquire. First of all, we will recall the previous concepts related with the gravity so that next हमारे पास जो हम topic आज discuss करेंगे उसमें आसानी हो. तो हमने last gravity पढ़ा कि किस तरह से gravity का concept Newton ने 1665 में invent किया. मतलब किस तरह से concept of gravity उनके mind में आया और उससे उन्होंने मिस्ट्री ऑफ प्लैनर्स किस तरह से सॉर्ट आउट किया. एंड देन हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा कि किस तरह से हमारे दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब उसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करते हुए हमने बताना है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो किस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ कंसिस्टेंट है. लाइक किस तरह से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे कर रहा है. सो इसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि हमें चाहिए दो ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जब भी हमने फोर्स ग्रेविटी की बात करनी है तो दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय पुलिंग बोथ ऑब्जेक्ट्स टू ईच अदर. सो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मैस एम वन है और दूसरे का मैस एम टू है. अब जब मैस वन अट्रैक्ट करता है मैस टू को तो वो फोर्स होती है एफ वन टू. इसी तरह से मैस टू जो है वो मैस वन को अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स इटसेल्फ, तो वो हमारे पास फोर्स होगी एफ टू वन. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी को ए का नाम दे दिया, एक बॉडी को बी का नाम दे दिया. बोथ बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि अब बॉडी ए जो है वो अट्रैक्ट करती है बॉडी बी को विद अ फोर्स एफ ए बी. इसी तरह से बॉडी बी जो है वो भी अट्रैक्ट करेगी बॉडी ए को with a force FBA. Both forces are equal in magnitude, मतलब कि इनकी magnitude equal है, लेकिन direction opposite हो जाती है. तो जब इनकी direction opposite होती है, तो इससे जो FAB वाली force है, वो एक action force का काम करती है, और जो FBA वाली force है, वो एक reaction force बनती है. मतलब कि action and reaction force का pair बन जाता है. और action and reaction से अगर हम इस वर्ड को देखते हैं तो हमारे पास फौरन से आइडिया ये आता है कि हमने ये टॉपिक कहीं पढ़ा हुआ है. तो वो हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ था जिसमें हम बात करते थे कि हमारे पास हर एक्शन के लिए कोई ना कोई रिएक्शन होता है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होती है. सो इस तरह से हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ के साथ वैलिड है, इसके साथ कंसिस्टेंट हो जाता है. सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस तरह से हमारे पास रिलेट कर रहा है, ये सिमिलर है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के. मतलब कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं, या मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो डिफरेंट आ गया, तो हमने पढ़ा नहीं है. इवन दो कॉन्सेप्ट वही है, वही चीज है, सिर्फ स्टेटमेंट में फर्क आता है. अगर हमसे यही क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि डज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेस न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, सो फौरन से आंसर ये होगा यस, ये ओबे करता है. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इट इज जस्ट लाइक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा अर्थ है और इसके साथ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एनी वन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ बॉल और हम उसे ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, अब अर्थ जो है वो फोर्स अट्रैक्शन की लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, वो फोर्स एक डायरेक्शन में लग रही है. अब वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो बॉल जो हमने ली है वो एक फोर्स लगा रहा है अर्थ पे, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो गए लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. तो इस तरह से हमने अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया कि किस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन दोनों लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ. तो इसके लिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक हाइट पे खड़े हैं, इवन दो व्हेन वी आर टेकिंग लाइक हम छत पे खड़े हैं और एक स्टोन जो है वो नीचे गिरा रहे हैं, अब स्टोन जो है वो एक फोर्स लगाएगा अर्थ पर, इसी तरह से अर्थ जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा स्टोन पर. अब स्टोन नीचे क्यों आ रहा है,
अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इन्फ्लुएंस होकर जो स्टोन है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करेगा। मतलब कि जब ग्रेविटी की वजह से हमारा जो स्टोन है वो अर्थ की सेंटर की तरफ एक्सेलरेट होगा, इस तरफ आएगा। और ये हमारे पास न्यूटन्स के थर्ड लॉ के मुताबिक कि स्टोन भी एग्जर्ट करता है इक्वल फोर्स ऑन अर्थ, लेकिन अपनी तरफ। मतलब कि अर्थ अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, स्टोन अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर क्रिएट हो जाता है, तो वो न्यूटन थर्ड लॉ के साथ रिलेट कर देता है इसको। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि अगर हम अर्थ और एक ह्यूमन बींग की एग्जाम्पल लेते हैं तो किस तरह से हमारे पास एक्शन फोर्स। अब एक्शन फोर्स हमारे पास ये होगी कि अर्थ जो है वो पर्सन को नीचे की तरफ अपनी तरफ खींच रही है अपने वेट के अकॉर्डिंग। और रिएक्शन फोर्स हमारे पास किस तरह से क्रिएट होगी कि जो पर्सन है वो अर्थ को अपनी तरफ अप डायरेक्शन में जो है वो पुल करेगा एक फोर्स के साथ, और वो पर्सन अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन पेयर क्रिएट हो जाता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, होप सो यू लाइक इट। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक अपना रखिए ख्याल, मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।